चार सौ पार का जो लाभ आप लोगों ने देखा है साकार होते नजर आ रहा है क्या? कि किसानों की तरफ से विरोध हो रहा है, किसान नाराज है, परेशान है और बीजेपी से तंग आ चुके हैं। दुष्यंत चौटाला उनका भी लगातार विरोध हो रहा है। जो रातों रात सरकार बदलनी पड़ गई, क्या परेशानी थी? हम लोगों की जिम्मेदारियां बदलते रहते हैं। जननायक जनता पार्टी उनको संभालने का थोड़ा मौका तो देते। सोए रात को डिप्टी सीएम बनकर फिर उठे तो कुर्सी तो चली गई। दुष्यंत चौटाला के तमाम विभाग अपने बड़े घोटाले हुए हैं। एक्शन बस भारतीय जनता पार्टी ले नहीं रही है, उस रिपोर्ट को छुपा के दबा के रख दिया है। क्या गारंटी है एक दूसरे के खिलाफ वोट लेकर फिर से एक साथ नहीं रहेंगे? धर्मवीर सिंह तीसरी बार जा पाएंगे लोकसभा में? भारतीय जनता पार्टी ने कर्जे को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, कर्जा देने वाले घर आते हैं। राष्ट्रीय रामविलास शर्मा जी की कर लें, अनिल विज की कर लें, कैप्टन अभिमन्यु की कर लें, जिनको लगातार दरकिनार किया जा रहा है। रामविलास जी ये कह रहे हैं कि इन चुनावों के बाद एक और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कहने वाले जो है वो तो करने वाले नहीं है ना। सबने अलग अलग मीटिंग्स की, लेकिन उसके बाद सबने तो मीटिंग्स के बाद ये कह दिया ना कि कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन खुल के करेंगे। वो तो जैसा समर्थन देते हैं वो आपको भी पता है, हमें पता है। ईडी सीबीआई का डर तो नहीं दिखाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को? ईडी सीबीआई का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, न्यायालय तो स्वतंत्र है। तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो डेमोक्रेसी का मर्डर हो जाएगा, ये जो है कांग्रेस के डीएनए में है। हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता का कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल से ऑन द स्पॉट इंटरव्यू देखिए हमारा खास कार्यक्रम महाभारत आज रात 8 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर।